क्या काम कर रही है हमारे लिए? हमारे लिए गेट का ताला लगवा दिया है सरकार, हमारे लिए ऐसा क्यों कर रही है? हमारे साथ हत्तापाई क्यों हुई है? एक वाशरूम के लिए हत्तापाई हुई है, दी गई पीछे दौड़ाया गया है। अगर वो तो सुकरमना गेट से बाहर आ गई थी और गेट के अंदर होती है या वाशरूम में होती तो क्या करता उसके साथ? तो सरकार कौन सरकार है? अंधी सरकार है, आख्या पे ऐसा गहरा चश्मा लगा दिया। मोदी से गुंडा कोई नहीं है, गुंडागर्दी खिंडवा रखी है। ये हमारी लड़की के साथ कल गुंडागर्दी तो हुई है, बाथरूम करण गई गल पीछे भाज लिए गुंडे। ये मोदी ने करवा रखा, सरकार ने करवा रखा। क्या सरकार सोई पड़ी है क्या? अभी तक 18 दिन से हंगामा हो रहा है यहाँ, क्या उसका पता नहीं है? उसके सामने करके देखो ना, उसके साथ करके देखो, जो हमारे साथ किया उसके साथ करके देखो। दलाला की सरकार है, गरीबा की सरकार नहीं है, गरीबा की नहीं है, दलाला की सरकार है, घूसखोरी सरकार है। गरीबी हटाओ नहीं कहता वो, लोगों ने दिखाने के लिए गरीबी हटाओ, मन में रहता गरीब को ही हटा दो, इसलिए गरीब हटाए जा रहा है। गरीब दुनिया में रहेगा ना तो उसकी तो मौज हो जाएगी ना। वो कहे गरीबी हटाओ, उनका गरीबन हटाओ दूर। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। अभी हम मौजूद हैं एक बार फिर से DU के गेट नंबर 4 आर्ट फैकल्टी पर, जहां पर डॉक्टर ऋतु का कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। यहां पर जो है महिला शक्ति जो है पहले दिन से ही बराबर उनका साथ देने के लिए यहां पर आती रहती हैं। क्या कहेंगी अम्मा इतने दिनों से बैठने के बाद? कल तो ऋतु मैडम के साथ हाथापाई पर उतर आए हैं, वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जा रहा। वॉशरूम करने के लिए गई थी, एक गुंडा उसके पीछे भाज लिया। अनु बोला यहाँ दलित आन का गंदगी खिंडाते हैं, यहाँ मत बढ़ो, यहाँ उधर जाओ, यहाँ गेट बंद कर दिया, ताला लगा दिया, बेल बांध दी और पानी भी बंद कर दिया, पानी इधर का पानी बंद कर दिया, उधर ताला लगा दिया। किस तरीके का अत्याचार हो रहा है? बहुत अत्याचार हो रहा, बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या लग रहा है न्याय मिलेगा ऐसे? आप मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। न्याय तो लेकर उठेंगे, न्याय लिए बिना तो नहीं जाएंगे हम यहाँ से। कैसे बैठे रहेंगे जब आपको वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जा रहा है? कैसे सरवाइव करेंगे हम? रोड पर बैठ कर करेंगे बाथरूम, इतना शर्म नहीं आओगी जब हैं? रोड पर करेंगे और क्या, जब नहीं कहीं जान देंगे तो रोड पर करेंगे, पर रहेंगे यहीं, नहीं जाएंगे यहाँ से, नहीं जाएंगे। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से क्या कुछ सकारात्मक के सरकार कौन सरकार है? कौन सरकार है? दलाला की सरकार है, गरीबा की सरकार नहीं है, गरीबा की नहीं है, दलाला की सरकार है, घूसखोरी सरकार है। सरकार आप लोग के लिए काम कर रही है? क्या काम कर रही है हमारे लिए? हमारे लिए गेट का ताला लगवा दिया है सरकार ने, थोड़ी लगाया वो तो DC लोगों ने लगा दिया। तो DCO ने लगा दिया तो DC भी सरकार का रियाज भी तो लगा दिया DCO ने। हम बैठे हैं रोड पर तो रोड पर भी तो सरकार ने बैठा रखे है ना, इतना हमारे लिए काम करा, क्या ये काम हमारे लिए किया उसने? इसलिए तो सरकार बन रही है ना, सरकार हमारे लिए ऐसा क्यों कर रही है? क्या क्या करेंगे अब तो? बाथरूम जाना मना कर दिया है, क्या करेंगे? जाना मना कर दिया, अम्मा ने बोल तो दिया ना, हम वही काम करेंगे फिर तो यहाँ से उठा के भगा देंगे। आपके साथ हाथापाई होने लगी है, अब क्या करें? हमारे साथ हाथापाई क्यों हुई है? एक वाशरूम के लिए हाथापाई हुई है, क्या क्यों ऐसा हो गया है? गालियाँ दी गई, अपशब्द दी गई, पीछे दौड़ाया गया है। अगर वो तो सुकरमना गेट से बाहर आ गई थी और गेट के अंदर होती है या वाशरूम में होती तो क्या करता उसके साथ? कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो सरकार कौन सरकार है? अंधी सरकार है, आख्या पे ऐसा गहरा चश्मा लगा दिया कुछ ना, तो कोई हमारे जो दलित लोग। सरकार कहती है महिलाओं के लिए तमाम योजना ला रही है, कितने सारे काम, कौन सी योजना, कहाँ योजना? लखपति दीदी बनाने की योजना। हाँ, लखपति दीदी रोड पर बैठी है जो, उसके लिए योजना क्यों? हमने तो कोई लखपति ना देखी है, कौन लखपति? लखपति पैसा वाला लखपति होता है, जो ये जो पैसा वाले हैं, जाट है, ब्राह्मण है, तेली जो ये सब हैं, ये पैसा वाले हैं, ये लखपति है। हमारे लिए क्या लखपति है? हम तो कह रहे हैं गरीब महिलाओं को, 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे। 2 करोड़ महिलाओं को लखपति, 2 करोड़ महिला को लखपति बना देगा? 2 करोड़ महिला लखपति बनी बनाई या को बनी लखपति बना देगा? वही 2 करोड़ में आती है हमारे, जो 2 करोड़ों में हमारी लड़की नहीं आती है क्या? हमारे को छाट दिया जाता है तो ये छटाओ में तो हम यहाँ रोड पर बैठे हैं। क्या उसने क्या कर दिया था ऐसा जो कि उसको निकाल दिया गया है? तो उस वो क्यों क्यों निकाल दिया, क्यों अत्याचार हो रहा है उसके साथ? क्या कर दिया उसने
जो यह यंग लड़की है जो रोड पे बैठी है, जो बुजुर्ग है, उसकी सीट लेकर ना आज उसका प्रमोशन हो गया है, तो वे तो हो ही गए लखपति। सविता रॉय को तो प्राइज दिया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है। हाँ हाँ, तो प्राइज तो देगा नहीं, पैसे वाली नहीं है वो। उसके सामने करके देखो ना, उसके साथ करके देखो, जो हमारे साथ किया उसके साथ करके देखो। सम्मानित कर रही है सरकार। तो सरकार फिर सम्मानित, पैसा वाले की तो सम्मानित करेगी, घुसखोरी सरकार, गद्दार सरकार, बेईमान सरकार, देशभक्त सरकार है, घुसखोरी सरकार। मोदी से बड़ा देशभक्त नहीं कोई। मोदी से बड़ा उनके लिए देशभक्त नहीं है, हमारे लिए देशभक्ति यह है जो हमारी बेटियों को रोड पर बैठा दिया है। क्या कहेंगी अम्मा, मोदी से बड़ा कोई देशभक्त है? मोदी से गुंडा कोई नहीं है, गुंडागर्दी खिंडवा रखी है। कहाँ गुंडागर्दी कर दिया? ये हमारी लड़की के साथ कल गुंडागर्दी तो हुई है, बाथरूम करण गई, गल पीछे भाज लिए गुंडे। ये मोदी ने करवा रखा, सरकार ने करवा रखा है ना, उसका बात की है, यूनिवर्सिटी उसने बनाई है, ये कॉलेज ये है सारे, ये दफ्तर सब उसी ने बनाए हैं ना, और तो हमारे जैसा का तो कुछ लग रहा है ना। अरे योगी जी कह रहे हैं यूपी में राम राज जाग गया है। राम राज जाग गया है यूपी में, जाग गया, यहाँ सो गया, यहाँ सोया है राम राज, यहाँ सोया है राम राज। पूरे देश में आएगा ना, यूपी में राम राज, पूरा देश में हमने तो ये दिख रहे है ना, हमारा तो साफ शीशा की तरह दिख रहा है। क्या हमारे साथ कर क्या उसने, कोई बोल के देखो ना, यहाँ आकर तो एक हम 18 दिन से यहाँ बैठे, कोई आया है पूछने के लिए भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो? आया है हम किसके लिए बैठे हो? आया है एक बार भी बोलने के लिए? टाइम नहीं मिला होगा, G20 में व्यस्त है ना सरकार। G20 में व्यस्त है तो क्या अभी उसका टाइम नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला होगा, देखा नहीं पूरी दिल्ली बंद कर दिया था। पूरी दिल्ली हम तो नहीं बंद हुए थे, पूरी दिल्ली बंद कर दिया था, तो अभी तो दिल्ली खुल रही है ना, तो अब तो आना था। कब आएगा हमारा समाचार सुनने के लिए? कब आएगा हमारा हालचाल पूछने के लिए? कब सुनवाई होगी? महीने के आखिरी में मन की बात करते तो है, आप ही की बात होती है महीना। हाँ महीना में आखिरी में होती है ना हमारी बात है, मन की बात सुनते हैं ना, रेडियो पे आते हैं। हाँ रेडियो पे आता, रेडियो पर हर वक्त आता रहता है, रेडियो पर तो अपनी बड़ी बड़ी आपकी बात होती है मन की बात में, आप लोगों के बारे में बात होती है। हमारे लोग हमारे बारे में क्या बात होती है? वो ये कहता गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, उसका मन में रहता गरीब को ही हटा दो, गरीबी हटाओ नहीं कहता वो, लोगों ने दिखाने के लिए गरीबी हटाओ, मन में रहता गरीब को ही हटा दो, इसलिए गरीब हटाए जा रहा है। गरीब दुनिया में रहेगा ना तो उसकी तो मौज हो जाएगी ना। वो कहे गरीब भी हटाओ, उनका गरीब बन हटाओ, दूर फेंको दूर। क्यों गरीबों से क्या दिक्कत हो गई है सरकार को? गरीबों को क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत है कि उनके बालक पढ़ लिख लेंगे, नौकरी ना लगन दे। गरीबों के लिए इतना काम कर रही है, महिलाओं के लिए सिलेंडर पे सस्ता कर दिया, सिलेंडर के दाम घटा दिए। कोई दाम ना घटा, एक महीना में 200 रुपया घटा दिया, तो बहुत घटा दिया। 1100 का सिलेंडर हो रहा, 1103 रुपया का सिलेंडर है, के घटा दिया उसे। आप खुश नहीं है? ना हम खुश नहीं है, मार तो क्या कहेंगी माता जी, सिलेंडर के दाम घटा दिए रक्षाबंधन के, कहा कि महिलाएं बहुत बधाई दे रही। राखी बंधन दिया था ना, राखी का तोहफा दिया था उसने, राखी तोहफा दिया था। अब 200 रुपया कम कर देता हूँ बहनों को, बहनों को 200 रुपया कम कर दे दो, राखी बंधाई दे दिया ना उसने, ताकि 24 का जो चुनाव आ रहा है ना वो हमारी मदद करेगी। 24 के चुनाव के लिए 200 रुपया कम कर दिया ना, क्या 200 रुपया में वोट खरीद लिया उसने? क्या मदद करेंगे कि नहीं? देखो हम तो अब मदद, हमारी ये मदद किस चीज़ का करेंगे हम? मदद किस चीज़ की करेंगे जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही? आप उनको वोट करेंगे कि नहीं? कौन आएगा 24 में? यंग लड़के हमारे रोड पर घूम रहे हैं, यंग लड़के हमारे फांसी खा मर रहे हैं, उनको कोई काम धंधा ना, पढ़ाई लिख के ना, बच्चे हमारे घर में बैठे हैं, वे आबाद हो रहे हैं, तो बताओ उनका बर्बाद करने वाला ये मोदी है और कोई नहीं है। पकौड़े बेचो, चाय बेचो, सब रोजगार है। चाय बेचो, पकौड़े बेचो, जबकि ताकि सबकी रेडियो बंद कर रहे हैं, रेडियो को कमेटी वाले उठा कर ले जा रहे हैं, जो कि दो पैसा घर से भी लगा रहे हैं ना, वे भी उनके उसमें जाता खाता में, इसलिए चाय पकौड़ा बिकवा रहा है वो, इसलिए चाय पकौड़ा बिकवा रहा। क्या महीना 20 दिन आदमी काम करेगा चाय पकौड़े की? फिर उसको भेज देंगे ना कमेटी वाला को, वो भाई इनकी रेडियो उठा जाओ,
तो हमारा सिलेंडर, हमारे बर्तन, हमारे का जो घर का पैसा लगता है, बाल बच्चे से पेट बचा कर लगाया जाता है, वो भी मोदी के उसमें जाता खाता हमने 200 रुपया कम कर दिया। बहुत एहसान हम कर दिया हमारे ऊपर उन्होंने। किसके पटड़िया पर कौन लगा रहा है सब्जी की, कोई रेहड़ी खोल कर बैठ जाता है उसने उठा लेता, फल की रेहड़ी खोल उठा लेता है, चाय पकौड़ा कोई खोल लेता है उसने उठा लेता है, तो उसका खत्म तो सारे सब कुछ जा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कह रहे हैं मेरे परिवार जनों कहते हैं, जनता को परिवार जनों कहते हैं, जनता को परिवार जना कहता है। हाँ परिवार में तो सभी तरह के होते हैं ना, फिर सभी तरह को होता। देश की सेवा करने के लिए परिवार अपना छोड़ दिया, देश की सेवा करता है, देश की सेवा, ये हमारे देश की सेवा हो रही है ना। यहाँ जो हमारी जो लड़कियाँ रोड पर बैठी है आज 18 दिन से, जो कि उनकी सुध लेने वाला नहीं आया कोई भी आज तक, क्यों नहीं आया सुध लेने वाला है? जो कि बाथरूम भी बंद करवा दिया है, उसके पीछे गुंडे लगा दिए हैं, तो क्या मोदी सरकार करेगी? क्या मोदी को अभी तक उसका हमारा न्यूज का कोई, उसने अभी तक हमारी उसका कोई पता नहीं चला क्या? क्या सरकार सोई पड़ी है क्या? अभी तक 18 दिन से हंगामा हो रहा है यहाँ, क्या उसका पता नहीं है? अगर कल एक्सीडेंट हो जाए इसकी खबर वहाँ तक पहुँच जाएगी। हमारा 18 दिन से हंगामा चल रहा है, हमारा प्रदर्शन चल रहा है, तो उसका अभी तक उसका खबर ही नहीं आया। G20 में लग रहा था वो, अभी तो कई दिन होगा G20 का फैसला हुआ, अभी तो वो क्यों नहीं आ रहा है अभी भी? क्या लगता है सरकार को सब पता होगी ये सारी बात? हर चीज़ का पता सरकार को, और क्या सरकार को ना पता होता बेहतर होता। हम जब तो रोड पर बैठे, सरकार को पता नहीं हम रोड पर बैठे हैं, सब पता है उसको। जानबूझ के कितना दिन करेंगे, कितना दिन कर गए? हम भी है ना, हम अपना हक लेकर आएंगे, जिद पर है, न्याय लेकर जाएंगे। हाँ हम जिद पर बैठे हैं, हम अपना हक लेकर आएंगे, डॉक्टर रितु को न्याय दिलाकर ही जाएंगे। डॉक्टर रितु को बिल्कुल न्याय दिलाएंगे, बिल्कुल न्याय दिलाएंगे 100%, चाहे हमारा 6 महीना क्यों नहीं लग जाइए। हम अपना घर से खाना लाते हैं और सभी भाई बंधुओं को खिलाते हैं। 6 महीने से भी ज्यादा लगे तो? 6 महीने से ज्यादा, जब हमने कह दिया ना 6 महीने लग जाओ, और 6 महीने से ज्यादा लग गया ना, तो जब भी हम बैठेंगे, जब तक इसको न्याय ना मिलेगा हम यहाँ से उठने वाले माता नहीं है। ये नारी शक्ति है और डॉक्टर रितु के समर्थन में जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, पहले दिन से जो है समर्थन में आ रहे हैं और रोज आते हैं और उनकी सहायता करते हैं, उनके साथ बैठते हैं इस धरने में, और अभी भी इनका मन है पूरा सुदृढ़ तरीके से कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये यहीं बैठे रहेंगे, चाहे जितने भी दिन हो जाए सरकार को झुका कर मानेंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।